तो फाइनली फ्रेंड कैसे आप सब। आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज तुम्हारा भाई सिखाने वाला कुछ इस टाइप का सेवी फोटो एडिटिंग, जैसे कि मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोग को कोई सही से बताता नहीं। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है बिना किसी स्किप के। और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग को आ जाना अपना गैलरी में, और जिस भी फोटो को आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को आप लोग को ले लेना है, इसको शेयर करके लेके चलना है लेटर एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो हम लोग का जो फोटो है वो लेटर एप्लीकेशन में जा चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, पूरे बीच वाले से यहाँ से काट देना, उसके बाद आ जाना अपना लेटर एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड लेटर एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑल फोटो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो हम लोग का जो फोटो है वो लेटर एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को एक तो प्रीसेट, इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो फाइनली ये वाला प्रीसेट आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉर्नर में थ्री डॉट के आइकन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ज्योमेट्री मास्किंग हिल, सबको तीनों को टिक कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एरो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। जिस भी फोटो को अभी हम लोग लेटरूम एप्लीकेशन में शेयर किए थे उस फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली उस वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से आ जाना थ्री डॉट वाले आइकन पर, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉपी सेटिंग का नीचे पेज सेटिंग का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है एक ही क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से एडिट हो चुका है। ये देख सकते हैं हम लोग का ओरिजिनल फोटो बिफोर एंड आफ्टर, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोटो में चेंजिंग आ चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फिर से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर शेयर टू वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है और इसको शेयर करके लेके चलना है पिक्सल एप्लीकेशन में। तो थोड़ा सा यहाँ भी प्रोसेसिंग लगेगा, आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो पिक्सल एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली पिक्सल एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड इफेक्ट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आर्टिस्टिक का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फाइटल वन का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद फिर से फाइटल वन वाले पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मल्टीप्लाई का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है, इसको पूरा माइनस कर देना। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इरेज टूल का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फिर से नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा इरेज टूल का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद साइज को आप लोग छोटा कर लीजिएगा, दोनों फिंगर से जूम करके कुछ इस टाइप से स्क्रीन से इसको रिमूव कर लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो आराम आराम से कीजिएगा फ्रेंड, जितना ही आराम से कीजिएगा उतना ही सही होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को ऊपर की साइड देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को फिर से नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा इफेक्ट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कलर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कलर रिप्लेस का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है, इसको कुछ इस टाइप से प्लस वाले को बैकग्राउंड में लगा के छोड़ देना। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग को बैकग्राउंड का कलर जो है एक ही क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से चेंज हो चुका है। तो इसको बढ़ा घटा के देख लेना है, इसमें कलर चेंज होता है। तो आप लोग को जिस भी कलर को रखना है उस कलर को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग का थंबनेल में यही कलर था, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग को राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से नीचे की साइड थोड़ा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ड्रॉ टूल का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा थ्री डॉट के आइकन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेव इमेज का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्लोज का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद बीच वाले से पूरा काट देना। उसके बाद फिर से आ जाना अपना गैलरी में, और जिस भी फोटो को भी हम लोग पिक्सल एप्लीकेशन से सेव किए हैं उस फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबसे पहले तो आप लोग डाटा अपना ऑन कर लीजिएगा और इसको शेयर करके लेके चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन में।
तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हो हम लोग का जो फोटो है वो फोटो रूम एप्लीकेशन में आ चुका है। तो अगर फोटो रूम आप पहले अगर आप लोग का भी अपडेट ना हो तो अपडेट कर लेना, वरना यहाँ से कट वाले पे क्लिक कर लेना। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग को सामने ढेर सारा इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो आप लोग को क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ब्लर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है, इसको पूरा फुल कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इसको इसे नीचे की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। इसको शेयर करके लेके चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। और हम लोग का नीचे बाइक भी जो था वो हम लोग का ब्लर हो चुका है, और फोटो रूम का जो लोगो था वो भी हम लोग का आ चुका है। सबसे पहले तो हम लोग उसको रिमूव करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड टूल्स का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्लस वाला आइकॉन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा यहाँ थ्री लाइन का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आल गैलरी का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जहाँ भी हम लोग पिक्सल एप्लीकेशन से जो फोटो सेव किए थे उस फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चौथा नंबर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को और इसको पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड जो हम लोग पिक्सल एप्लीकेशन से जो फोटो सेव किए थे वो वाला हम लोग का फोटो ऐड हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड आंडू का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को व्यू एडिट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डबल एक्सपोजर का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ब्रश वाला आइकॉन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। और जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लर नहीं चाहिए वहाँ कुछ इस टाइप से आप लोग चला लीजिएगा, आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो रूम का लोगो था वो भी कितना ही खतरनाक तरह से रिमूव हो चुका है। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग को कितना ही खतरनाक तरह से हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एरो का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इसको शेयर करके लेके चलना है ऑटो डेस्क स्केजू को। तो अगर पहले से कोई फोटो होगा ऑटो डेस्क स्केजू में तो यहाँ से आप लोग डिसेबल कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो है वो आ चुका है ऑटो डेस्क स्केजू में। तो फाइनली ऑटो डेस्क स्केजू में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ब्रश वाला आइकन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग। तो थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये वाला ब्रश, तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसका सेटिंग आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं फॉलो को रखना है 3 और लास्ट लाइन को रखना है 9। साइज को आप लोग अपना फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद साइड में टैप करना है, दोनों फिंगर से जूम कर कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसे सब लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं कि नहीं खतरनाक तरह से हम लोग का जो फोटो है वो स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। तो आराम आराम से कीजिएगा फ्रेंड, जितना ही आराम से कीजिएगा उतना ही सही हो। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का कितना ही खतरनाक तरह से स्मूथ हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्लस वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को एम्प्टी लेयर वाले पे क्लिक करना है आप लोग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नॉर्मल वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है।
उसके बाद थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है, उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कलर, कलर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसका कलर आप लोग को रेड वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है, उसके बाद आ जाना है आप लोग को ब्रश वाला आइकन पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है मीडियम ब्रश। इसका सेटिंग आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं ओपेसिटी को पूरा फुल कर देना है। साइज को आप लोग छोटा ही रखिएगा, सिर्फ इसको लिप्स में ही अप्लाई करना है हम लोग को। दोनों फिंगर से इसको जूम करके कुछ इस टाइप से आप लोग भी लिप्स में ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग के लिप्स में कितना ही खतरनाक तरह से जो टेक्स्चर है वो ऐड हो रहा था। आप लोग भी कुछ इस टाइप से ऐड कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का हो चुका है। तो कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है तो इसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इसका ओपेसिटी कुछ कम कर देना है, जितना आप लोग को सही लगे उतना आप लोग को रख देना। तो मैं कुछ 30 के आसपास रख देता हूँ। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, आप लोग को फिर से साइड में टैप करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए नहीं मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। उसके बाद सेव वाले पर क्लिक कर देना है।